मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, मैं सोचती हूँ गरीबों को बहुत फायदा होना चाहिए, और उनको सरकार चलानी है तो उनको उनके सामने पैसे का सवाल आता है। आपकी बात से ऐसा लगता है कि आप कहीं कहीं जहां आपको जरूरत पड़ती है आप दिग्विजय सिंह को कोस भी लेती हैं, और जहां उनकी तारीफ करनी होती है तो बड़ी शिद्दत से उनकी तारीफ भी कर देती हैं। इसलिए तो कहती हूं मैं कि मेरा मनभेद, मेरा मतभेद है, मनभेद नहीं है। इसलिए जहां उनको लगता है कल्पना सही है परंतु इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन जब आप ऐसी बात कहती हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई बहुत ही वाइस पॉलिटिशियन बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, ईमानदारी वाली भाषा है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मैंने जो भी लड़ाइयां लड़ी है वो मैंने न्याय दिलाया है, चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे बिजली हो, चाहे कोई भी देरी वेतन। तो आपको ये पूरा विश्वास है कि दिग्विजय सिंह जो आपके शब्दों में मन के बुरे नहीं है, अगले इलेक्शन में आपको टिकट कांग्रेस से देंगे? टिकट देंगे, जिताएंगे, पूरी मदद करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस को जिंदा रखने में कल्पना परूलेकर का बहुत बड़ा योगदान है, और कुछ लोग ऐसा कॉकस उनके आजू बाजू है जो उनको मिसगाइड करता है, और आपने देखा है कि जब वो मिसगाइड होते हैं। कौन सा कॉकस है वो? कौन से लोग? ये हमें बताना नहीं चाहती, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, उस कागज का नाम मैं लेना नहीं चाहती, पर वो कागज मुख्यमंत्री जी को घेरे हुए है, पर जब मुख्यमंत्री चंगुल से बाहर निकलते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं कल्पना की मदद करना चाहिए, बहुत सता लिया। मतलब इतना आप मानती हैं कि जो कॉकस मुख्यमंत्री को घेरे हुए है वो काफी ताकतवर है? जी हाँ, और कई बार मुख्यमंत्री भी अपने मन की बात या अपने मन की मर्जी नहीं कर पाते। जी हाँ, नहीं कर पाते, पर उसके बावजूद भी हमारा आंदोलन इतना स्ट्रांग रहता है कि उनको उस कागज के बाहर निकलना ही पड़ता है। अगले इलेक्शन में आप क्या प्रोस्पेक्ट्स देखती हैं पार्टी? नहीं, कांग्रेस पार्टी फिर जीत के आएगी, क्योंकि कांग्रेस के अलावा प्रदेश के लिए वो अच्छी है बुरी कैसी भी है, पर प्रदेश का भला सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आपकी भूमिका क्या होगी अगर हम एक काल्पनिक सवाल करें कि अगला इलेक्शन आप जीतती हैं? हाँ। तो क्या क्या कल्पना परूलेकर सिर्फ विधायक ही रहेंगी या कुछ और? या कल्पना परूलेकर मध्य प्रदेश की भावी रणनीति तैयार करेगी। आप देखिए जो मेरी सोच है, मुझे नहीं मालूम कि अभी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचती हूं, कर्म करना मेरा काम है, पर मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में किसान संगठन खड़ा हो, क्योंकि किसान को माइनस करके प्रदेश की राजनीति नहीं चल सकती, और आज तक किसान के पहलू को किसी लीडर ने नहीं छुआ है, और यहां तक मैं कहूंगी कि मध्य प्रदेश में कोई लीडर ही पैदा नहीं हुआ जिसने किसान के दर्द को महसूस किया। कल्पना जी, जिस किसान मूवमेंट की आप मध्य प्रदेश में बात कर रही हैं, हमारी शुभकामनाएं कि आप उसको पूरी ताकत से एस्टेब्लिश करें, आगे बढ़ाएं। ये थी कांग्रेस की फायर ब्रांड विधायक कल्पना परूलेकर, जिनसे हमारी बातचीत हुई। इस कार्यक्रम को खत्म करने के पहले वही बात हम एक बार फिर आपसे दोहराएंगे कि इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर लिखकर भेजें कि इस कार्यक्रम को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, और इस कार्यक्रम में आप क्या संशोधन या क्या आपका विजन है कि इस कार्यक्रम को इस रूप में, इस स्वरूप में होना चाहिए। आपके पत्रों का हमें बेताबी से इंतजार रहता है। हमारा पता नोट कीजिए, अपनी रिएक्शन हमें जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही हम इजाजत दीजिए, नमस्कार।